तो आज मैं बना रही, तो मैंने गहत को कल सुबह से भिगोया था, तो मैंने अभी पानी से निकाल के जार में डाल दिया, मिक्सर ग्राइंडर जार में। तो फ्रेंड्स, ये है मौन को चौराहे का नज़ारा इस समय। ये देखिए दुकानें बनने लगी है सामने से, तो दुकानें लगती है, मेला सा लगता है छोटा सा। ये देखो यहाँ पे मिल गई है हीरोइन, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं हो रही है? तो फ्रेंड्स, ये देखिए दिन में हो गई है रात, और मैं क्या करती हूँ, लाइट चली जाती है, बड़ा ही भयंकर मौसम। तो रेस्टोरेंट में भी कितने के तो चले बोर्ड से उठ के चले गए जो सामने। गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सुबह के बज रहे हैं 8 और हमारे घर का नज़ारा तो यहाँ देखिए, सांग ऐसे जलता है सुबह सुबह। मंगलवार को देखो, शक्ल दिखाओ अपनी। तो बाय बाय बोलो व्यूवर्स को, हाय भी बोलो। तो नोनी का एग्जाम आज काय का बताओ, इंग्लिश का एग्जाम है इसका, और ये पढ़ा हुआ है नहीं पढ़ा हुआ पता नहीं यार। चलो ठीक है, बाय बाय। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो जैसे कि मैंने कल बताया था, मैं भटके डुब सॉरी गहत के डुबके बनाने वाली थी बनाने वाली थी, तो कल मुझे टाइम नहीं मिला जिसके चलते कि मैंने नहीं बनाए थे। तो आज मैं बना रही, तो मैंने गहत को कल सुबह से भिगोया था, तो मैंने अभी पानी से निकाल के जार में डाल दिया, मिक्सर ग्राइंडर जार में। और इसमें मैंने डाली कुछ एक लहसुन, थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा धनिया, और इसको करेंगे ग्राइंड। और चलिए फिर आगे का प्रोसेस मैं उसके बाद आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, पहले मैं इसको ग्राइंड कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये देखिए दाल मैंने पीस ली है, दरदरी सी, बिल्कुल बारीक नहीं पीसनी है, दरदरी सी पीसनी है दाल। तो ये दाल मेरी पीस के तैयार हो चुकी है, तो इसमें जो भी मैंने मसाले वसाले ऐड करे थे, और उसके बाद ये हो चुका है तेल गरम, और ये मैंने प्याज को अच्छे से बारीक चॉप कर दिया है। तो अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा, तेल गरम हो चुका है, तो जीरे को तड़कने देते हैं अच्छे से। ये तेल मैंने पूरियां बनाई थी, जिसकी वजह से देखिए इसमें से झाग सा बन गया है, अदरवाइज इसे झाग नहीं बनता है। तड़कने के बाद इसमें हम डालेंगे हींग, और उसके बाद प्याज को अच्छे से इसमें फ्राई कर देंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारा जो प्याज है ना, अच्छे से भुन चुका है, हल्का सा ब्राउन हो चुका है। तो हम इसमें डालेंगे अब आधी चम्मच हल्दी और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि टमाटर हम इसमें नहीं डालेंगे। ये सब डालने के बाद हमने इसको अच्छे से वो कर देना है, हल्दी को पकाना है अच्छे से। और इसको याद रखें, लोहे की कढ़ाई में अगर हम बनाएंगे तो बहुत अच्छा कलर इसका आता है, ब्लैक ब्लैक सा। और पता क्या, मैंने बहुत ज़्यादा दाल पीस ली है, तो मेरी दाल बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी, इसमें ओवर हो जाएगा। तो इसको बस इस तरह से ना खूब इसको पकाना है इसमें दाल को, ताकि इसमें कच्चे की स्मेल ना आ जाए। तो 4-5 मिनट तक हम कुछ को ऐसे चलाते हुए इसमें पकाते रहेंगे, और फिर उसके बाद इसमें पानी ऐड करेंगे, और नमक भी इसमें कहते हैं लास्ट में ऐड करते, तो नमक मैंने अभी तक इसमें ऐड नहीं करा है। तो फ्रेंड्स, मुझे इसको ना कढ़ाई में चलाते हुए 5 से 7 मिनट हो चुके हैं, और दाल जो मुझे लग रहा हो गई है तैयार अब पक के। तो इसमें हम पानी ऐड करते हैं, तो पानी को मैंने देखिए मिक्सर जार में अपने जिसमें दाल को वो करा था, ग्राइंड करा था, उसी में पानी रख दिया था डाल के। तो चलिए जी, इसको उबालेंगे, आधा घंटा हमको इसको खूब उबालना पड़ेगा, तब हमारे जो है तैयार हो जाएंगे डुबके अच्छे से, आधे घंटे तक सिम आँच पे उबालने के बाद। तो चलिए अब तैयार हो जाए, तभी दिखाती हूँ मैं। तो फ्रेंड्स, ये रही कुल्थ के डुबक बन के जो कि हो चुके हैं तैयार। अब इसको थोड़ा सा मैं और उबालूंगी, 10-15 मिनट तक, इसको कम आँच पे गैस पे ढक के पकाऊंगी। वैसे तो पक चुकी है, लेकिन फिर भी जितनी ज़्यादा देर तक इसको पकाओ ना, उतनी ज़्यादा अच्छी टेस्टी बनती है। तो ये जो होती है, इसकी तासीर गर्म होती है, तो विंटर्स में ही कुल्थ की दाल खिचड़ी जो भी हम लोग खाते हैं, सर्दियों में खाते हैं, गर्मियों में नहीं खाते हैं। और ये पथरी के लिए बड़ी अच्छी दवा मानी जाती है, इसका जो सूप अगर पियेंगे तो पथरी के लिए अच्छा रहता है। अब इसमें अगर आप तड़का लगाना चाहें तो तड़का भी लगा सकते हैं, मगर मैं क्या करूँगी, तड़का नहीं लगाऊंगी, मेरे को ऐसी सही लग रहा है ये बिना तड़के के। और फिर बाकी धनिया वनिया जिससे भी आपको गार्निश करना है आप कर सकते हैं, इसको अच्छे से गार्निश करके। तो अभी और कड़के ना और गाढ़ा हो जाएगा, काफ़ी गाढ़ी वैसे भी है, देखिए और गाढ़ी अभी हो जाएगी करने के बाद। तो उसको 10 मिनट तो कम से कम गैस पे रखने वाली हूँ। तो चलिए मैं तैयार हो जाती हूँ दुकान की तरफ, और मेरे को वहाँ पे भी जाना है अभी आवागढ़ में, जहाँ पे कल मैंने बताया था डेथ हुई है, तो उनके घर भी मैं जाऊँगी, और वहीं से होते हुए फिर मैं निकलूँगी दुकान की तरफ। तो चलें, होते हैं रेडी दुकान के लिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो मैं यहाँ पे पहुँच चुकी हूँ, पोस्ट ऑफिस वाली साइड से आई हूँ मैं आज, उधर से नहीं गई, उनके घर भी नहीं गई मैं, तो थोड़ी देर बाद जाऊँगी, क्योंकि ना लेट हो गई हूँ मैं, करण को जाना है कॉलेज ना, तो इस करके मुझे आना पड़ गया डायरेक्ट यहीं से। तो अभी थोड़ी देर में जब वो आ जाएंगे नीचे से वापस, तो फिर मैं चली जाऊँगी उनके घर। तो चले, पहुँच चुकी हूँ यहाँ पे बाज़ार के पास में, मैं उनको चौराहा दिखाती हूँ आप लोगों को इसके बाद, और बाज़ार के कुछ एक नज़ारे अगर। तो फ्रेंड्स, ये है मौन को चौराहे का नज़ारा इस समय, पोस्ट ऑफिस रोड पे भी लोग दिख रहे आते जाते से, तो इस साइड को दिख रही है काफ़ी भीड़ भाड़ से, कोई ग्रुप सा आया हुआ है कॉलेज के बच्चों का है शायद, जो कि खड़े हुए हैं यहाँ पे। तो चले हम लोग चलते हैं यहाँ से नीचे की तरफ। तो फ्रेंड्स, मैं आ चुकी हूँ बाज़ार की तरफ, यहाँ पे आज काफ़ी रश सा दिख रहा है सुबह के समय ना, इस समय क्या था कि सब्जी मंडी लगी होती है, उसकी वजह से भी थोड़ा सा रश रहता है, तो लोग रहते हैं इस समय। चले,
फ्रेंड्स हम लोग घर पहुंच चुके हैं बिल्कुल खड़ी बाजार के ऊपर। ये देखिए रामलाल एंड ब्रदर्स यहाँ पे। तो खड़ी मार्केट का खूबसूरत सा नज़ारा। तो चले, सांस फूल रही है फिर से। तो रश मतलब आज बाजार में दिख ही रहा है, सभी जगह ऊपर को थे वहाँ पे भी रश दिख रहा। तो यहाँ पे भी खड़ी मार्केट में भी काफ़ी रश अच्छा दिख रहा है। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे पहुँच चुकी हूँ और यहाँ से भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ हर रोज़ नज़ारे ना। तो मैंने सोचा चलिए यहाँ पे पहुँच के फिर से रुक जाती हूँ। और ये देखिए दुकानें बनने लगी है फिर से दुर्गाष्टमी के लिए। पहले कितनी बार दुकानें बनी, फिर टूटी, फिर बनी, और झूलों का भी एरा कितनी बार लगते उखड़ते गए हैं वो लोग, फिर उन लेके फाइनली चले गए अपने झूले। तो दुर्गाष्टमी में झूले तो नहीं होते हैं वैसे और साल भी, तो इस साल शायद उनका लगाने का मूड था बट लगे नहीं पाए थे उस समय। तो ये देखिए दुकानें बनने लगी है सामने से, तो दुकानें लगती मेला सा लगता है छोटा सा यहाँ पे दुर्गाष्टमी में अभी। और मौसम वही धूप छाँव वाला ही है अभी, अगर एक बारिश हो जाती तो शायद थोड़ी सी राहत मिल जाती, जो बीमारियाँ गला ख़राब या धूल मिट्टी वालों से थोड़ी सी राहत मिल जाती, तो बारिश भी नहीं हो रही है। मैं सोची एक बारिश हो जाती मज़ा आ जाता फिर। तो चलिए चलते हैं मार्केट की तरफ। और मंडे है आज, तो रश तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा अभी, तो पार्किंग भी खाली नज़र आ रही, बिल्कुल भी लोग नज़र नहीं आ रहे हैं गाड़ी पार्किंग में भी, लोग सॉरी गाड़ियाँ नज़र नहीं आ रही पार्किंग में भी। पता नहीं मैं कुछ भी बोल रही हूँ, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या बोल रही हूँ क्या नहीं बोल रही। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए वो बड़ी अच्छी गप्पे चल रही, बड़ी इंटरेस्टिंग गप्पे चल रही जो कि मैंने रिकॉर्ड कर दी आप लोगों की। बहुत अच्छे। तो फ्रेंड्स ये देखिए स्टेज बना हुआ है यहाँ पे, अभी डांस वांस का प्रोग्राम होगा बहुत अच्छा दुर्गाष्टमी के समय में। तो मैं चलते फलते फिरते मैंने दीदी लोगों की गप्पे रिकॉर्ड कर दी, लोग गप्पे मार रहे थे। तो वो इनकी जोड़ी पे बात कर रहे थे, तो ये बोल रहे थे कि लोग बोलते कि हमारी लव मैरिज है, तो मैंने बोला लव मैरिज तो दूर की बात है, बोला बोल रही थी वो कि हमने तो एक दूसरे को देखा भी नहीं था। तो ये देखिए स्टेज बन गया है यहाँ पे, तो मैं चलते फिरते लोगों की बातें रिकॉर्ड हो जा रही। मैं इंटेंशनली नहीं की, मैं तो एक्चुअली स्टेज दिखाना चाह रही थी, फिर मैंने उन्हें बता भी दिया कि मैंने रिकॉर्ड कर दिया आपकी बातें, तो वहाँ से पड़ी थी वो। तो चलिए देखिए सामने से गुरुद्वारा साहिब और मंदिर साथ में दिख रहे हैं बिल्कुल। तो पहुँच चुकी हूँ मैं मार्केट की साइड में, अब जाती हूँ दुकान दुकान बैठते हैं कुछ टाइम, फिर देखते अगर वो दुकान की तरफ आए तो फिर मैं ऊपर चली जाऊँगी। ये देखो यहाँ पे मिल गई है हीरोइन। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं हो रही क्या? अभी वैसी हो रही है, बुखार कितना लंबा बुखार है? हैं? क्या मेरे मुँह से अच्छा लगता है इसकी तबीयत खराब हो रही? बोलते मेरे मुँह से क्या क्या अच्छा लगता है? अच्छा क्या बोली? अच्छा तो दिखाती थी डॉक्टर को, दिखाया तुमने? दिखाया तो इसके साथ जाती रहेगी ना, तो मार देगी घुमा घुमा के, खुद तो घुमा कर 24 घंटे घूमती मिलती है इस औरत को। गौर से देखिए इस औरत को, आजकल बच्चा लेके पाई जाती है वरना कभी कभी अकेले ही पाई जाती है घुमक्कड़ औरत। अभी शुक्र है कुछ टाइम बिजी है तो कम शक्ल मिलती है इसको देखने, तो रोज शक्ल देख देख उब जाते हैं हम लोग सुबह से शाम तक देखने को मिलती छिपकली जैसी। क्या मंदिर जा रहे हो? अच्छा चलो चलो ठीक है। अलवा अकेले खाती तो आ जाया कर, घर तेरे घर थोड़ी पहुँचाने आऊंगी मैं। तो ये देखिए यहाँ पे लाइन से बैठे होते लोग, नवरात्रों के टाइम में आ जाते काफी सारे लोग यहाँ पे है ना। तो इस तरह का अभी मार्केट का हालचाल। तो पूजा मिल गई थी मुझे, तो पूजा के साथ ऐसी बातें मेरी होती रहती है। तो चले पहुंचते हैं दुकान, मुझे लग रहा लड़का मेरा जा चुका है शायद कॉलेज। तो फ्रेंड्स पहुंच चुकी हूँ मैं दुकान में और धूप बत्ती करने रख दी है मैंने। देखिए मेरी धूप बत्ती इधर से कहाँ गई, दिखी नहीं दिखी ना, तो मैं दिखाती हूँ घुमा के कैमरा। तो ये रही धूप बत्ती। और पता कि अभी अचानक से जो है मौसम ख़राब हो गया है ठीक ठाक वाला, जैसे मैंने रास्ते में दिखाया था कि मौसम कहीं धूप कहीं छांव वाला सा था, तो लेकिन अभी बहुत तेज़ सा बादल हो गया है, अच्छा खासा सा बादल दिखने लगा है बाहर में। तो मैं लेके चलती हूँ आपको भी बाहर, देखती हूँ थोड़ी देर अगर बादल रहा तो, वरना फिर गलत इन्फॉर्मेशन हो जाती है। तो यहाँ पे सामने कुछ पंडाल से टाइप पर लगने लग गया है शायद, तो लोहे के जो पोल होते हैं ना वो आए हुए हैं। चलिए मैं दिखाई देती हूँ बाहर, लेके चली जाती हूँ आप लोगों को। तो चलिए कैमरा टर्न करते हैं और चलते हैं बाहर की तरफ। फ्रेंड्स ये देखिए मौसम का हाल, अभी बज रहे हैं दिन के 12 बजने में, इनफैक्ट 5 मिनट है, तो मौसम ऐसे लग रहा है शाम के 6 बज रहे होंगे। तो बिल्कुल अंधेरा और गुप अंधेरा इस साइड से देखिए, तो बारिश आने के बड़े पूरे चांसेस लग रहे हैं आज। तो चलिए मैं बता, बने रहिए मेरी वीडियो के साथ जानने के लिए बारिश आती है या नहीं आती। और ये देखिए इस तरह का पंडाल के जो आता है ना, ये पंडाल यहाँ लगा हुआ तो है मगर इसके लिए फिर शायद उन्होंने और कुछ बड़ा करना है शायद इस पंडाल को, तो ये यहाँ पे भंडारा कुछ लगता है अभी तो अष्टमी के टाइम में, तो उसके लिए शायद तैयारियाँ चल रही है यहाँ पे। तो आज से सेकंड नवरात्रा भी है आज, तो इस तरह का हो रहा है यहाँ पे मौसम। तो फ्रेंड्स ये देखिए 12 बज के हो रहे हैं अभी 50 मिनट्स और बिल्कुल अंधेरा हो गया है यहाँ पे। तो मैं यही कह रही थी कि आज मौसम भयंकर हो रहा है, तो बारिश आने को बिल्कुल तैयार है। देखिए मौसम का हाल, तो दिन के समय में बिल्कुल खतरनाक अंधेरा, दिन के समय से लग रहा है जैसे रात के 7 बज गए हैं। तो हमारे दोस्त लोग आ गए हैं मार्केट में और
तूफान आने वाला है और ये सब लोग अपनी अपनी तैयारियों में लग गए हैं और सब तरपाल बांधते हुए फटाफट स्पीड के साथ। तो दोस्तों खतरनाक मौसम हो रहा है यार, आज तो भयंकर हो गया। ये क्या हो गया, तो बहुत दिनों के बाद ऐसा मौसम हो गया, बहुत दिनों के बाद। तो दिल कर रहा था बारिश आ जाए, पर ऐसे आए ऐसे नहीं दिल कर रहा था मेरा। मैंने सुबह ही कहा था कि बारिश आ जाती तो अच्छा था, मगर इस तरह से काला अंधेरा कलूटा होके नहीं पसंद है मुझे बारिश। नॉर्मल बारिश आ जाती तो अच्छा था, जिससे कि जो धूल मिट्टी है वो सब बैठ जाती और जो लोगों की तबीयत खराब हो रही है वो सब नॉर्मल हो जाता ना। तो चलिए मैं कस्टमर छोड़ के सीधे बाहर को आ गई थी, मैं चलती हूँ वापस अपने कस्टमर्स की तरफ। तो फ्रेंड्स ये देखिए दिन में हो गई है रात और मैं क्या करती हूँ लाइट चली जाती हूँ यार। तो फ्रेंड्स अभी भी बारिश रुकी नहीं है, काफी देर से बारिश, हवा और जैसा हाल हुआ है सामने ना गेट जो लगा था मेले वाला वो भी गिर के टेढ़ा मेढ़ा हो चुका है। तो खतरनाक मौसम हो रहा है यार। तो फ्रेंड्स बारिश हल्की हो चुकी है थोड़ी सी, मतलब रुकी नहीं, देखिए हवा। तो बच्चे बेचारे निकल आए हैं बाहर, उसमें ऐसी भीगती हुई इस बारिश में आए हुए लोग। तो सामने से एक डाल टूट गई है उस पेड़ की, बस ज़्यादा कुछ नहीं, और जो गेट लगा था मेले का वो टूट गया है। तो मौसम बड़ा भयानक भाई। तो हमने तो बढ़ाई दी दुकान, अब घर ही चले जाएंगे हम तो, सीधा ठंड लग गई क्योंकि भीग गए सभी लोग। मैं तो बिना वजह से भीगी, मैंने किया कुछ नहीं, मगर भीग फिर भी गई हूँ मैं। तो फ्रेंड्स बड़ा ही भयंकर मौसम। तो रेस्टोरेंट में भी कितने के तो चले बोर्ड से उठ के चले गए, जो सामने से बोर्ड से लगे थे वो उड़ के हवा में निकल गए। तो वो जो गेट था ना सामने, मैं पहले से बोल रही थी, मैं बाहर को आ गई थी, देखिए पूरा गेट भी गिर गया है और वहाँ पे एक फंगा गिर गया है, उसमें पेड़ का भी फंगा गिर गया, जो ये वाला पेड़ है ना ये पूरा गिरने लग गया था, पूरा टेढ़ा मेढ़ा हो गया था ये। तो पेड़ तो नहीं गिरा, फंगे वंगे गिर गए। तो बारिश अभी भी पड़ रही है, हम सब गीले हो गए, तो सभी ने दुकान बंद कर दी है। तो हम लोग सब जा रहे हैं अब घर की तरफ। तो चलिए आज का जो ब्लॉग है इसको हम यहीं पे पूर्ण विराम देते हैं। तो कल को फिर मिलेंगे, कल के मौसम के साथ और मौसम की जानकारी के साथ और फिर नई जो भी जानकारियाँ होती उसके साथ। तो मतलब आज का जो मौसम था बहुत ही भयानक भयंकर, ऐसा मौसम हमने किसी ने कभी लाइफ में नहीं देखा। तो चलिए कैमरा नहीं घुमाती, वाली गुंता खड़ी है वहाँ। चलो ना अभी चलो मेरे साथ, चलो मेरे साथ घर चलो, गैद के वो खिलाऊंगी। नहीं नहीं कैसा था आज का मौसम आप बताइए, आज के मौसम के बारे में। बहुत ही ठंडा है, बर्फ जैसा है। बर्फ जैसा सर्दी लग रही है। कितना आंधी तूफान आया प्लीज बता दो। देखो यहाँ सब गिर गया था। ये देखो यहाँ पे क्या खचाड़ा बटाड़ा हो रखा है। और वही सामने से दुकानें बनी थी सारी टेढ़ी हो गई है। तो वीडियो का एंड कर चुकी हूँ मैं एक बार, उसके बाद दोबारा स्टार्ट कर दिया। और हम लोग भीगते हुए जा रहे हैं बहुत बुरी तरह से यार।